फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे YouTube चैनल सब के सब पर। तो आप लोगों से जैसा कि हमने वादा किया था डेढ़ साल पहले कि इस सब के सब चैनल पर आप सभी के लिए हर तरह का ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा, यानी कि वेब डिजाइन या वेब डेवलपमेंट हो या ग्राफिक डिजाइन हो, इन सभी चीजों पर ट्यूटोरियल्स लेकर आऊंगा। और मैंने ये भी कहा था कि इस चैनल पर मैं अकेले ट्यूटोरियल्स अपलोड नहीं करूंगा, जैसा कि हमने अभी स्टार्ट किया है जावास्क्रिप्ट, और उसके लिए शाकिर हुसैन सर हैं जो अपना ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं। उसी तरह से और भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड के, यानी कि वेब डिजाइन हो या वेब डेवलपमेंट हो, इन चीजों पर जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं, उन सभी को मैंने इनवाइट किया है कि इस चैनल पर आ जाएं और आने के बाद अपने अपने एक्सपर्टीज को आपके सामने लेकर आए। इससे फायदा यह होगा आप सभी को कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को सभी चीजें मिल जाएंगी। आज हमने इनवाइट किया है अब्दुल्ला सर को, ये डिजाइन के एक्सपर्ट हैं, कम से कम 10-12 सालों से इस फील्ड में हैं, और इनका जो एक्सपर्टीज है वो बहुत सारी चीजों पर है, लेकिन आज जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है टाइपोग्राफी। और टाइपोग्राफी में हमें मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या फ्रेशर हैं, उन सभी को काफी दिक्कतें आती हैं। और टाइपोग्राफी एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसको अगर आप बड़े पैमाने पर देखेंगे तो इसकी जरूरत उतनी ही पड़ती है जितना कि डिजाइन की जरूरत होती है। अगर आप एक अच्छा डिजाइन करते हैं तो जरूरी है कि आप एक अच्छा टाइपोग्राफी भी यूज करें उसमें, तभी आपका डिजाइन बहुत बेहतर हो सकता है। तो आप सभी से आज मैं इंटरेक्ट करा रहा हूं अब्दुल्ला सर को, वो आप सभी से मिलेंगे, और आज जो उनका फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी सीखिए, मैं सर को इनवाइट करता हूं और आप लोग वेलकम करिए, और इनके साथ फिर मिल करके टाइपोग्राफी और डिजाइन को आगे लेकर चलेंगे। आइए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो ये अब्दुल्ला सर हैं, और अब इनके साथ आप लोग कंटिन्यू करिए और मैं थोड़ा साइड में करता हूं। शुक्रिया। जैसे रिजवान सर ने आपको बताया कि टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस तरह डिजाइन करते हैं और डिजाइन जिस तरह इंपॉर्टेंट है, डिजाइन में उसी तरह टाइपोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइपोग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि टाइपोग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या चीज है इसके अंदर जिसे हमें सीखनी जरूरी है और हमें बिल्कुल वो सीखना चाहिए अगर हमें एक अच्छा डिजाइनर बनना है। फर्स्ट पॉइंट कि आप देखते होंगे कि आज हम डिजिटल मीडियम में जी रहे हैं, हम टैबलेट यूज करते हैं, मोबाइल फोन है हमारे पास, मॉनिटर है, डेस्कटॉप है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, 50-70% ऑफ कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, इट मीन्स हम रीड करते हैं डिजिटल मीडियम पर, मोबाइल पर, टैबलेट पर या मॉनिटर पर। अगर हम 50-70% कंटेंट हम अगर रीड कर रहे हैं तो बात ये आती है कि अगर इतना डेटा, इतना कंटेंट हम रीड कर रहे हैं तो हमारी टाइपोग्राफी क्यों अच्छी है। तो एक पॉइंट ये है कि टाइपोग्राफी इसलिए अच्छी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ऐप मार्केट में लॉन्च होते हैं डे टू डे लाइफ में, आपने बहुत सारे, आप खुद भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस में, ब्राउजर में आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि टाइपोग्राफी अच्छी नहीं है। मैं एक आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि डिजाइन में 70% जो इंपॉर्टेंस रखता है वो आपकी टाइपोग्राफी रखती है, 30% जो इंपॉर्टेंस रखता है वो रेस्ट ऑफ द थिंग लाइक कंपोजिशन, लेआउट, कलर। 70% अगर टाइपोग्राफी इंपॉर्टेंट है तो हम अभी तक टाइपोग्राफी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपको एक अच्छा डिजाइनर बनना है तो आपको 70% पार्ट कवर करना बहुत जरूरी है। अगर इसे आप नहीं कवर करते, आप भले ही कितना बढ़िया लेआउट बना लो, डिजाइन कर लो, लेकिन अगर आपकी टाइपोग्राफी अच्छी नहीं है, यूजर नहीं रीड कर पा रहे, इट मींस वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में सक्सेस नहीं होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें बताती है कि हमें टाइपोग्राफी जानना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि टाइपोग्राफी किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, बिजनेसमैन है, फ्रेशर्स हैं बहुत सारे, जिनको टाइपोग्राफी वर्ड तो पता है लेकिन उसका वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये पता नहीं है। और इस पूरे सेशन में, इस पूरी सीरीज में हम टाइपोग्राफी को सीखने वाले हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम वेब में कैसे यूज करेंगे, प्रिंट में कैसे यूज करेंगे टाइपोग्राफी। प्रिंट में टाइपोग्राफी बहुत पहले से यूज होती आ रही है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन वेब में अगर उसे हम कन्वर्ट करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, उन सारे रिस्ट्रिक्शन को हम कैसे समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग टाइपोग्राफी करेंगे। तो
और टाइपोग्राफी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, टाइपोग्राफी को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो आपको जैसा मैंने बताया कि टाइपोग्राफी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। उसके बाद मैक्रो के अंदर जो पार्ट हम कवर करते हैं और इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम टाइपोग्राफी के सीरीज आगे लेके जाएंगे। तो मैक्रो में हमने रीडेबिलिटी, लेआउट, टाइप साइज, हायरार्की, रिदम, स्पेसिंग और कलर, ये सात चीजें हमने डिफाइन की है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रीडेबिलिटी कैसे बेटर करनी है, रीडेबिलिटी डिजाइन को कैसे इंपैक्ट करती है, लेआउट में हम टाइप साइज को कैसे क्रिएट करेंगे, उसे डिजाइन कैसे करेंगे लेआउट के अकॉर्डिंग, टाइप साइज डिफाइन हम कैसे करेंगे हेडलाइन के लिए, सब हेडलाइन के लिए, पैराग्राफ के लिए, हायरार्की कैसे डिफाइन करनी है हमारे हमने लेआउट के अकॉर्डिंग, कि हमारी जो एक डिजाइन की हायरार्की होती है जिसको मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, वो सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे इसमें। रिदम सेट करेंगे, स्पेसिंग हमें कैसे डिफाइन करनी है जिसके अंदर लाइन हाइट भी पढ़ेंगे, टाइपोग्राफी कलर बेसिकली, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, टाइपोग्राफी कलर मतलब होता है कि अपने वेटेज जो डिफाइन करते हैं हम, तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि टाइपोग्राफी कलर क्या होता है। दूसरा जो मैंने माइक्रो में डिफाइन किया था आपको, लिगेचर, सिंबल, लेटर स्पेसिंग एंड कर्निंग। लिगेचर में हम बेसिकली डिसाइड करेंगे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि नहीं, जो दो वर्ड्स कंबाइन होकर एक सिंबल क्रिएट करते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा एफ आई ऐसे करके लिखा होता है, हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, लिगेचर क्यों डिफाइन करना चाहिए, सिंबल को कैसे डिजाइन करेंगे, लेटर स्पेसिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे, किस पॉइंट पर डिफाइन करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज हम क्लियर करेंगे और करनी कैसे सेट करते हैं। अब जब हम दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, पूरी टाइपोग्राफी आपकी इस पर बेस्ड है। अब जब हम रीडेबिलिटी पढ़ेंगे तो इसके अंदर बेसिकली मैं टाइपोग्राफी जब आपको पढ़ाऊंगा, इससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, टाइपोग्राफी का मतलब ये होता है कि आप जिस तरह से बातों को कह रहे हैं। सपोज मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, आई लव टाइपोग्राफी, एक मैंने नॉर्मल वे में बोला, दूसरे तरीके से मैं बोलता हूं कि आई लव टाइपोग्राफी, तीसरे तरीके से मैं बोलता हूं आई लव टाइपोग्राफी, तो मेरा तरीका जैसे चेंज हो रहा है बोलने का, ये एक मैंने नॉर्मल वे में बोला, एक मैंने बोल्ड वे में बोला, एक मैंने बहुत ही पोलाइट वे में बोला, तो जो तरीका मेरा चेंज हो रहा है इसी को अगर मैं वर्ड में कन्वर्ट करूं, उस सेंस को मैं पकड़ूं कि अगर कोई चीज बात बोल्ड वे में कही जा रही है, नॉर्मल वे में कही जा रही है या बहुत ही पोलाइट वे में कही जा रही है, इस सेंस को अगर हम पकड़ के उसको डिजाइन करते हैं, उसकी रीडेबिलिटी डिफाइन करते हैं, उसे एक रिदम हम डिफाइन करते हैं, तो वो टाइपोग्राफी होता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, टाइपोग्राफी इज ए आर्ट एंड टेक्निक टू अरेंज द वर्ड्स टू डिफाइन बेटर रीडेबिलिटी और लिजिबिलिटी भी उसमें डिफाइन होती है। तो इन सारी चीजों को जब आप कवर करते हैं वो एक टाइपोग्राफी का पूरा शेप लेती है। अब पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें हमने जान ली, अब टाइपोग्राफी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम टाइपोग्राफी में अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी बेसिकली कैसे इफेक्ट करती है लेटर स्पेसिंग को, लाइन हाइट को, एनाटॉमी के अकॉर्डिंग हम फॉन्ट कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं, हम एक साइट कैसे एक साइट के अकॉर्डिंग कैसे टाइपफेस चूज करते हैं, एक साइट कितने हद तक हमारी रीडेबिलिटी को इफेक्ट करती है, कितनी एक साइट होनी चाहिए फॉन्ट की, कितनी नहीं होनी चाहिए, और रिदम कैसे डिफाइन करेंगे, पैराग्राफ हमें कैसे डिजाइन करना है, सिंबल्स को हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, हम सारे पॉइंट को कवर करेंगे टाइपोग्राफी में। आप इसी तरह से सबके सब चैनल को बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टाइपोग्राफी सीखते रहिए। थैंक यू।